वेलकम गाइस, दिस इज रंजीत शर्मा और आप देख रहे हैं टेक एडवाइजर प्रो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड लाइट के बारे में। तो जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि वन प्लस नॉर्ड जो है वो कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाला है, कुछ ही दिनों में। पर यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड के ऑलमोस्ट सारे ही स्पेसिफिकेशन जो है लीक हो चुके हैं। और यहाँ तक कि खुद काल पे जो CEO हैं वन प्लस के, उन्होंने MKBHD के चैनल पे जाके वहाँ पे खुद काफ़ी सारी बातें बताई हैं वन प्लस नॉर्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं कि अगर वन प्लस नॉर्ड के सारे स्पेक्स लीक हो चुके हैं तो ये लॉन्च इवेंट में क्या बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड सीरीज जो है, सीरीज में काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च होते हैं और यहाँ पर वन प्लस हमेशा अपने वन प्लस 8, 8T और 8 Pro इस टाइप से काफ़ी सारे फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर वन प्लस अपना एक और भी फ़ोन लॉन्च करेगा जिसके बारे में वन प्लस ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। और ये फ़ोन सीधे लॉन्च इवेंट पे ही लॉन्च होगा। और ये फ़ोन जो है ये वन प्लस नॉर्ड का लाइटर वर्जन होने वाला है, यानी कि ये उससे एक लोअर वेरिएंट होगा। और अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका प्राइसिंग जो है वो 15,000 से 20,000 के बीच में होने वाला है। और अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन लॉन्च होता है, ये सरप्राइज हो सकता है वन प्लस की तरफ से। और इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी सारे ब्रांड्स के फ़ोन्स को कंपटीशन देने वाला है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में Xiaomi बहुत ज़्यादा पकड़ बनाया हुआ है। तो ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़े बहुत इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स और डिज़ाइन के बारे में। तो जहाँ तक इसका लुक है वो वन प्लस नॉर्ड की तरह ही होगा, बट यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप यहाँ पर शायद 2 या 3 कैमरा इसमें देखने के लिए मिले, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड में अगर हम बात करें तो इसमें कैमरा सेटअप आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कटिंग इसमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नया प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है जो कि होगा स्नैपड्रैगन 690। तो यहाँ पे अभी आपने काफ़ी टाइम से 6 सीरीज़ में जो है वन स्नैपड्रैगन में कोई सा भी अपडेट नहीं देखा है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं वो 8 सीरीज़ में आ रहे हैं या फिर 7 सीरीज़ में आ रहे हैं, और 6 सीरीज़ में काफ़ी टाइम से कोई भी न्यू लॉन्च नहीं हुआ। तो ये प्रोसेसर जो है 5G टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है, आपको यहाँ पर इस फ़ोन में देखने के लिए मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो मोस्टली वन प्लस अपने फ़ोन्स AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च करता है, बट यहाँ पर अभी डिस्प्ले को लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये काफ़ी अभी देखने वाला फैक्टर होगा कि यहाँ पर वन प्लस कौन सी डिस्प्ले इस फ़ोन में ऑफर करता है। वैसे तो वन प्लस इस प्राइस रेंज में भी AMOLED डिस्प्ले दे सकता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे भी हमें काफ़ी सारे फ़ोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वन प्लस नॉर्ड लाइट के बारे में। और आपको क्या लगता है कि अगर 15,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट पर अगर लॉन्च होता है तो आप में से कितने लोग इसे परचेस करने वाले हैं, और आपको ये फ़ोन कैसा लगेगा अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।